जैसे कि आप देख रहे हैं, हम घाटकोपर स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब हम यहां से बाहर निकलेंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का मेरे चैनल मुंबई स्पाइस में प्यार भरा वेलकम है। आज मैं अपने व्यूवर्स के साथ बहुत ही स्पेशल व्लॉग शेयर करने जा रही हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम स्टेशन की से बाहर निकल रहे हैं। हम घाटकोपर स्टेशन के ईस्ट में बाहर आ चुके हैं और ये यहाँ का मार्केट और खाओ कॉर्नर एरिया है, ऑफिशियल एरिया है। तो हम देखते हैं, यहाँ का डोसा बहुत ही फेमस है, तो हम आपको यहाँ के फेमस बालाजी कॉर्नर के डोसा बताएंगे आज। बिल्कुल डोसा सेंटर के पास खड़े हुए हैं, बालाजी कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं और ये यहाँ का बहुत ही फेमस डोसा कॉर्नर है। और ये हमारे अंकल हैं जो यहाँ का बहुत ही टेस्टी टेस्टी डोसा बनाते हैं। हमने भी यहाँ पर मैसूर मसाला डोसा ऑर्डर किया है। अंकल जी, आपका नाम क्या है अंकल? रामा अंकल। बहुत फेमस है यहाँ का डोसा, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही रीजनेबल रेट में अवेलेबल है। तो आप हमारे अंकल जी के डोसा कॉर्नर पर ज़रूर आएँ। बालाजी कॉर्नर से घाटकोपर स्टेशन के 2 मिनट की डिस्टेंस पे अवेलेबल है ये। तो हम देख रहे हैं, अंकल ने प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कर ली है। देखिए, अंकल ने सभी किस्म की वेजिटेबल्स अंदर ली है, कैबेज, बीटरूट, टमाटोज, ऑनियंस और चीज़, बटर, पोटैटोज, पोटैटो मसाला, ये सभी वेजिटेबल्स अंकल ने अंदर ऐड कर ली है और उसमें चाट मसाला और दूसरे स्पाइसेस ऐड करके इसे अच्छे से मैश कर लिया है। ये तो देख के ही टेम्प्टिंग नज़र आ रहा है, माउथ वाटरिंग है। देखिए, अंकल ने और एडिशनली बटर ऐड किया है। तो आप अंकल के और अंकल जी का डोसा ट्राई करें और आपके कमेंट्स भी ज़रूर शेयर करें। ये हो गया हमारा मैसूर मसाला डोसा बिल्कुल रेडी। और देखिए हमारा मैसूर मसाला डोसा कितना टेम्पटिंग नज़र आ रहा है, कितना माउथ वाटरिंग नज़र आ रहा है। हम इसे अभी ट्राई करेंगे और इसका फीडबैक आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्क्रिप्शन में अंकल का एड्रेस, अंकल की शॉप का एड्रेस भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो हम आपको अभी खा के बताते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही यम्मी है। तो आप भी आएँ, जब भी घाटकोपर आएँ या स्पेशली आएँ और अंकल जी के यहाँ पर डोसा ज़रूर ट्राई करें। देखिए जी, अंकल ने तीसरा डोसा लगाना स्टार्ट कर लिया है। अभी अंकल इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे।
जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने दोनों डोसा ट्राई कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी किस्म का डोसा था और बहुत ही अच्छी स्टफिंग थी और बहुत ही रीजनेबल रेट में। देखिए आप, यहाँ पर सब अवेलेबल है। अंकल के यहाँ स्नैक्स में इडली, मेदू वड़ा और डोसा में भी वैरायटीज अवेलेबल है। सादा डोसा, मसाला डोसा, मैसूर मसाला डोसा और बहुत भी। अंकल आपको बताएंगे, अंकल आपके पास कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है? सादा मसाला, मैसूर, उत्तपा, इडली वड़ा। और कितने से कितने रेट्स में अवेलेबल अंकल? और आप सुबह कितने बजे शुरू करते हैं अंकल? 6:30 बजे। और शाम में, रात में कितने बजे तक रहते हैं? तो आप, ये हमारे रामा अंकल है और ये इनका बालाजी कॉर्नर है। यहाँ पर आपको सभी किस्म का स्नैक्स और डोसाज अवेलेबल है, तो आप अंकल के कॉर्नर पे ज़रूर आए और इनका डोसा और स्नैक ज़रूर ट्राई करें। तो हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, आपके प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर शेयर करें। और अब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।